यहाँ मुझ में यीशु की धड़क है। डॉनी, मुझे पता है पंख में पट्टा लगने से तुम्हें चिढ़ आ रही है ना, मगर आज तुम्हें चोट लगी है और तुम्हारी बांह टूट गई है। मुझे पता है इससे चिढ़ आती है और मुझे भी ये लगवाना पड़ा। आज हम दोनों को चोट लगी। हम स्विमिंग पूल से वापस आ रहे थे और एक शख्स हमसे टकरा गया और हमारे घराने के कई लोगों को चोट लगी और वो पट्टियों में है और फिर ये तकलीफ देह है। कभी आपकी मरहम पट्टी हुई है जिसे आप करवाना नहीं चाहते थे? ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर आपको पता है हम तो भी एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। मैं डॉनी से ये नहीं कहती, मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि तुम्हारा हाथ टूट गया है ना। क्या आप कभी खुद से भी नाराज हुए अगर आपकी खाल या घुटने? बिल्कुल नहीं, आप गिर गए थे, ये गलती से हुआ, मगर दर्द हुआ और फिर आपको थोड़ा और लाड चाहिए है ना, और हमें थोड़ी और देखभाल चाहिए जब चोट लगती है, क्योंकि आपके पास एक हादिम दिल है। शायद आप उनकी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास खूबसूरत दिल है। हम एक दूसरे से नाराज नहीं होते जब कमजोर हो जाते हैं है ना। हमारा नन्ना बनी हमारी ज्यादा खिदमत कर रहा है हमें पानी पिलाने के लिए, और जरूरत पड़ने पर हमारी अजीज टीम ने हमारे लिए रात का खाना तैयार किया। क्योंकि मेरे कंधे में चोट लगी है इसलिए सबको हाथ बटाना पड़ा। आज हमें कुछ दिलचस्प करना है क्योंकि हमें तैरने जाना है। हमें पानी पसंद है और हमें तैरने जाना है तो हमें अच्छी चीजें याद रखनी है। हमें ये पानी पसंद है और पानी में खेलना हमारे लिए दिन का सबसे अच्छा वक्त होता है। इस वक्त हम घर में मेरी पसंदीदा जगह पर हैं, जहाँ पर पानी है। क्या आपको पानी पसंद है? मुझे पानी पसंद है। पानी पाक रूह की तस्वीर है। जानते हैं यीशु ने पानी को लेकर क्या फरमाया? तो आज रात जब हम तैयारी करेंगे अपने बिस्तर पे लेटने की और तैयारी करेंगे रात की दुआ करने की, मेरी उम्मीद है हम पानी को याद करेंगे, क्योंकि पानी डॉनी का पसंदीदा है। क्यों? ओ हाँ, कि हमें पानी में खेलना पसंद है और पानी हमें पाक कर देता है। पानी हमारी सब्जियों को, हमारे केलों को बढ़ाता है। इस प्यारी सी चीज को देखो, पहले ये उगाती है। देखा, हमारे यहाँ केले के पेड़ हैं। आपको केले की पुडिंग पसंद है? और हमें भी। तो फिर से फल उगाते हैं क्योंकि हम अपने केले के पेड़ों को ढेर सारा पानी देते हैं, मगर वो तब तक नहीं उगते जब तक उन्हें पानी नहीं मिलता। पानी वो है जो हर पेड़ पौधे और हर जानदार की जरूरत है। हम सब की जरूरत है पानी। इस पानी के लिए यीशु का शुक्रिया। हमारे पास एक नगमा है जिसे हम मिलकर गाएं। चलो ये मजेदार गीत गाएं। मुझ में जिंदगी का पानी बहता है, जिंदगी का पानी बहता है मुझ में, वो लंगड़े को चलाए और अंधे को दिखाए। पानी अंधे को देखना सिखाए। पानी कौन है जो लंगड़े को चलना सिखाए और अंधों को देखना? उसका नाम यीशु है। बाइबल में सब जगह पानी के बारे में कहानियां हैं जहां प्रभु ने पानी का इस्तेमाल किया। पाक रूह की हिफाजत एक निशान की तरह। जब मूसा और वो सारे लोग बियाबान जगह पर थे, वहां उनके ऊपर एक बादल था और वो बादल पानी से भरा हुआ था, और ये पाक रूह की निशानी थी। पाक रूह वो है जहां से हमें कुव्वत मिलती है और हिफाजत भी। वो हमारा कवच है और पानी हमारे जिस्म में है। पता है हम किससे बने हुए हैं?
सही है, इसलिए हमें दिन भर पानी पीने की जरूरत है। क्या आप काफी पानी पीते हैं? मैं भी। हम सब बहुत पानी पीते हैं। हमें रोजाना कम से कम 10 कप पानी चाहिए, क्योंकि हम पानी से बने हैं। और खुदा चाहता है हमारे अंदर बहुत सारे तंदुरुस्त सेल हों, जो पानी से भर भर कर उछलें। और वो चाहता है हम पाक रूह के पानी से भरे हों। अजीब नहीं कि ऐसा पानी है जिसे आप देखते और उसमें खेलते हैं, और वो पानी जो पुशीदा है, जिसे देख नहीं सकते। ये जिंदगी का पानी है, पानी यीशु जिंदगी का पानी है। हम अपने अंदर का पानी नहीं देख सकते, मगर वो है। और मुझे पानी पसंद है। पता है खुदा कैसे कहता है? उसे आप पूरी तरह पसंद हो, उसे आपका चेहरा पसंद है, आपकी उंगलियां पसंद हैं, उसे आप पूरे पसंद हो, आप अंदर से भी उसे पसंद हो, जहां कोई नहीं देख सकता। और वो चाहता है आप पेट भर खाना खाएं और ढेर सारा पानी पिए। तो आज रात सोने से पहले हमें पानी पी लेना चाहिए। तो याद रखिए, हम दुआ करें पानी के लिए, शुक्रिया खुदा, पानी जो हमें पाक कर देता है, धोता है, धोता है, हमारे सारे गुनाहों को धो देता है। ठीक है, अब हम उसकी तस्वीर देखेंगे, यीशु कैसे हमारे पापों को धोता है। ठीक है, तो अब हम उसकी तस्वीर देखेंगे जो आज हमने मिलकर बाहर किया है, जहां हमने देखा कैसे पानी हमारे सारे गुनाहों को धो देता है। और यीशु ने बताया, जब हम पाक हो जाते हैं तब हम कैसे दिखते हैं अंदर से। वो तस्वीर आप एक मिनट में देखेंगे। मुझे खुशी है हमारा साथ रहा। डॉनी के लिए दुआ कीजिएगा। उसे मरहम पट्टी नहीं करनी थी, मगर जरूरी थी, इसलिए वो खफा है, और मैं भी हूं। हम एक साथ होने से खुश होते हैं ना, कमजोर होने पर भी। जब हमारी मरहम पट्टी होती है, हमें एक साथ होना अच्छा लगता है, सबके साथ मिलकर। तो सुबह आपसे मिलेंगे। शब बखैर। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुझे कभी ना छोड़ूंगा।